ये तो यहाँ चेक कीजिए, क्या जबरदस्त सा प्लेटर है ये। और ये जो प्लेटर है कलरफुल सा, और इसमें जो लवाजमात मौजूद हैं वो भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो क्या क्या लवाजमात हैं इसके अंदर ये जानना है आपको, तो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, कंप्लीट वॉच करनी पड़ेगी। तो आगे आपको ये लवाजमात भी बताएंगे और मज़ीद बताएंगे कि ये प्लेटर हमें कहाँ पर सर्व हुआ और किस खुशी में हुआ हमें ये प्लेटर सर्व। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपकी दोस्त और आपकी हो सारा, मतलब बहुत सारा। तो आज हम मौजूद हैं कहाँ पे, आज हम मौजूद हैं पीपल स्क्वायर पर। तो पीपल स्क्वायर आने का क्या रीज़न है मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि हम यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे खुल चुका है प्लेटर हाउस। जी हाँ, यहाँ पे प्लेटर हाउस खुल चुका है और यहाँ आज इसकी ओपनिंग है। और यहाँ पे हम आज प्रिज्मा की तरफ से इन्वाइटेड हैं और बाबर भाई और तनवीर भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी कमेटी मेम्बर्स भी हैं। आज पीपल स्क्वायर पे जो प्लेटर हाउस खुला है उसकी आज ओपनिंग है, तो दिखाते हैं आप लोगों को फर्दर कि क्या प्रोसेस और क्या हुआ, खाना कैसा था, प्लेटर सर्व करेंगे वो प्लेटर कैसा था, मज़ेदार था। वैसे तो प्लेटर मज़ेदार ही होता है इनका, लेकिन आप लोगों को मज़ीद दिखाते हैं और बाकी बाबर भाई और तनवीर भाई लोगों से बात करते हैं आज हमारे साथ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं बंस रोड पे इतनी धूम मचाने के बाद क्या सूझी कि आप यहाँ भी आ गए? बिल्कुल, बंस रोड पे आपको जैसा कि पता है कि हमारा प्लेटर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और बहुत ही ज़्यादा कस्टमर ने उसको प्रेजराई दी। उसके लिए कस्टमर का और हमारे जो क्लाइंट उनका शुक्रिया कि कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े दिल के, हम जैसे लोगों को भी पसंद करते हैं। तो उसको देखते हुए मैंने ये किया कि वहाँ पे पार्किंग का एक इशू था बहुत ज़्यादा, हमारे पास पार्किंग का मसला है, गाड़ी होती है फिर वो लोग गाड़ी पार्किंग कर सकते, कस्टमर बहुत कंप्लेन करते थे। उसके बाद सेटिंग एरिया मेरे पास बंस रोड पे बहुत कम है, आपको पता है ओल्ड सिटी एरिया है, वहाँ पे जगह की बड़ी कमी है, जगह मिलती नहीं है, बड़ी मसाइल है वहाँ पे। तो उसको देखते हुए बंस रोड के करीब तरीन ओल्ड सिटी एरिया में पीपल स्क्वायर से बेहतर मुझे कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया। तो शुरू से ही ये प्रोजेक्ट हमारे पास ही है, तो हमने सोचा कि हम अपने क्लाइंट को यहाँ पे एंटरटेन करें और उसको उनको अच्छा फूड दें, उसके साथ साथ में अच्छा अम्बियांस भी दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये आपको जो पीपल स्क्वायर है इसमें बाहर जैसी फीलिंग आएगी जैसे बाहर मुल्कों में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे एक तो सेटिंग एरिया का मसला नहीं होगा और इंशाल्लाह हमने जो फूड रखा है वो सेम बंस रोड हॉट एंड रोल का और प्लेटर हाउस का जो फूड है वही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इन फ्यूचर हम लोग मटन के अंदर भी प्लेटर लॉन्च करेंगे, लेकिन उसकी कॉस्टिंग को देख रहे हैं, इंशाल्लाह अगर जल्द होगा तो अल्लाह के हुक्म से उसको भी लॉन्च करवाएंगे। तो मेरी क्लाइंट से आपके आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, आप एक दफ़ा लाजमी आएँ, इसके अम्बियांस को जरूर देखें आप, और इसके बाद हमारे खाने को से तो आप लोग वाकिफ ही हैं, तो अल्लाह के हुक्म से आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं इसमें भी आपने मतलब अपने क्लाइंट्स की ही देखी कि उनको सिटिंग का इशू है, पार्किंग का इशू है, तो आपने उनके लिए बताया वो भी इसी तरह चलता रहेगा और ये इसकी सेकंड ब्रांच? बिल्कुल, बंस रोड तो चलता रहेगा, जारी बात है वो फूड स्ट्रीट का एक ऐसा है और बंस रोड पे हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं, वहाँ बैठ के खाना भी पसंद करते हैं। आप उनको जितना भी अच्छे से अच्छा अम्बियांस दे रहे हैं उनको मज़ा नहीं आता जब तक वो बंस रोड पे नहीं आते, क्योंकि बंस रोड का नाम ही ऐसा है। लेकिन मैं आपके व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि ये भी बंस रोड का ही एक ऐसा है, ये ओल्ड सिटी एरिया के अंदर बंस रोड का ही एक डिपार्ट है। ये एक दो रोड थे, दो रोडों को वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट से ने ख़त्म करके और इनको ये पार्क का दर्जा दे दिया गया, ये वॉकिंग और इसके लिए बहुत अच्छा इनका प्रोजेक्ट था और एम्बियांस बहुत अच्छा है और इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है। आप सिंध असम्बली की तरफ से आएंगे तो सबसे पहले आपको यानी कि गेट मिलेगा इसका पीपल स्क्वायर का आपको, उसके बाद अगर आप जंग प्रेस की तरफ से आते हैं वहाँ से भी, और उसके बाद जो आप बंस रोड की तरफ से आते हैं वहाँ से भी आपको जो है इसका एंट्रेंस बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है इसमें ग्राउंड में दो फ्लोर पार्किंग है, तो वो हाँ इसमें 800-900 गाड़ियाँ पार्क करने की जगह, तो कस्टमर को इंशाल्लाह यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद अगर वेटिंग करनी भी पड़ती है इतने अच्छे माहौल में अगर बंदा 2-3 घंटे गुजार भी लेता है। भाई आपका सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें इनवाइट किया, आप हमें जो सर्व करेंगे वो तो खैर बहुत दिन से करीब होगा, बट आज खिलाने क्या वाले हैं आपको? ये सब सरप्राइज है, तो आगे आप खा के बताइए कैसा है। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम का और आपको हमें यहाँ इनवाइट किया उसका भी शुक्रिया, बड़ी आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। जी
जी तो हमारे साथ मौजूद है बाबर भाई। बाबर भाई आपके हाथ में अजरक है, तुंजो नालो छा है। मुंजो नालो बाबर डाल हमें तो नहीं आता, तुंजो नालो छा है, मुंजो नालो छा है, मुझे ज्यादा सिंधी नहीं आती। तो बाबर भाई अजरक बड़ी अच्छी है ना? हाँ अच्छी है, पसंद है अजरक मुझे, मैं भी बहुत यूज करती हूँ जी। दवाई यूज किया करें? गुड वन गुड वन। नहीं अच्छा था। नहीं बाबा अब अलहमदुल्ला मैं टाइम से ले रही हूँ दवाई। मैं बीपी की गोली लेती नहीं थी, छोड़ दी थी मैंने, जुल्म कर रही थी। मुझे ये बताएं कि आज प्लेटर हाउस पे ये जो ओपनिंग हुई है तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए ये फराज भाई का ये प्लेटर हाउस है और यहाँ पे जो है ना प्लेटर हाउस इनका बहुत ही अच्छा है। प्लेटर है इनका अच्छे पैसों में और अच्छी क्वान्टिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सिक्योरिटी है यहाँ पे और सारा जो है यहाँ पे एक अगर बच्चे भी आ जाते हैं तो उनके खेलने कूदने का भी निज़ाम है। बाकी बैठने के स्पेस बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, सुकून है। तो आप आराम से यहाँ पे हैं, अगर अभी तक आप नहीं आए तो यहाँ पे लाजमी आके इसको ट्राई करें ताकि आपको ये एक्सपीरियंस पता चले। ये आज ही इसकी ओपनिंग हुई है, इन्होंने हमारी उम्र की वजह से इसको डिले कर दिया था। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। जी 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 अच्छा। उम्र की वजह से इन्होंने तकरीबन कमोपेश एक महीना इसको डिले कर दिया उन्होंने। तो हम लोग भी उम्र से होकर आए तो उन्होंने बोला यार आज इसकी ओपनिंग करें। तो मैं फिर रहता कि सुबह से मैं बहुत बिजी था आज, मतलब कि मुझे थोड़ा बुखार भी हो रहा है इस टाइम पे। तो बिजी तो आप हर वक्त होते हैं। हाँ रात को भी बिजी होता हूँ मैं, 3-3 बजे तक ही बिजी होता हूँ भाई मैं। बाकी बस अल्लाह ताला सबको मसरूफ रखे और आप सब भी फले फूले और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ चलें। क्योंकि देखें मेन चीज़ यही है, जो आप किसी के काम आ जाएंगे ना आपके जाने के बाद भी वही काम आएगा। सही है ना? सब कुछ मेला लूट के मत ले जाएं, लोगों को भी दें, लोगों को देना सीखें हमेशा। क्योंकि आप जब किसी के लिए करते हैं ना तो आप वो उस बंदे के लिए नहीं कर रहे होते, आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे होते हैं बहुत सारे काम। तो यही सोच के आप करें, अल्लाह की रजा के लिए वो काम करें, लोग क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका पे बैक ज़रूर देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव रुझान के साथ आप काम करते जाएं और आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। आप हम तवक्कल अल्लाह पे रखें और काम करते जाएं और यहाँ पे ज़रूर आके ये ट्राई करें और बस। अच्छा, अल्लाह की रजा के लिए तो कोई काम भी करें बाबा, उसका तो फ़ायदा हमें भी है ना जी, डबल फ़ायदा ना, करना चाहिए। बिल्कुल करें हम, और दवाई टाइम से लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे साथ हैं, हमारे साथ मौजूद है तनवीर भाई। कैसे क्या बात है, क्या बात है? अजरक बजरक पहने में समझ में नहीं आता कि सारा कब बात कर रही है और कब वो वीडियो शुरू हो गई है ना, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द वीडियो भी इससे ही बातें कर रही थी। हसमुख कंचल सी लड़की होती है ना, मतलब लड़की कह दिया, नाराज नहीं होगी। अरे सर आंखों में आपका लड़की है ना सर। अजरक बजरक पहने में क्या मतलब, अजरक बजरक खैरियत है? फराज भाई की मोहब्बत है, फराज भाई ने बस हमें यहाँ बुलाया था और आप सब सारे आए, फिजमा की तरफ से इन्विटेशन था तो यहाँ पर अच्छा खाना खाएंगे। थोड़ी सी उम्र का उम्र किया था तो उसके लिए उन्होंने एक दावत रख दी, बड़ी मोहब्बत आप चल रही है मस्जिद दावत। हाँ आज बहुत सारी खत्म कर अल्लाह बरकत में। अब मुझे आमीन कहना चाहिए नहीं चाहिए? मतलब मेरा भी बड़ा, मतलब मेरा भी सारा की तरह बड़ा है। हाँ तो मुझे आमीन कहना चाहिए नहीं चाहिए? इंशाल्लाह अभी मजीद आप दोबारा जाएंगे, उसकी दावत भी कंटिन्यू रहेंगी। हाँ दोबारा जरूर जाना, ये बात तो जगह ऐसी है। पहली बार गए थे आप? हाँ पहली बार गया था और देखिए जगह बहुत अच्छी है। एक तो पीपल स्क्वायर बड़ा खूबसूरत मकाम है कराची का, खासतौर पर नाइट व्यू के लिहाज से। क्योंकि हमारे पास ना रात के कोई पार्क नहीं है ऐसे आपके पास, जहाँ फैमिली आ सके, एक्टिविटीज़ कर सके। आपको दुबई तुर्की का फील आता है यहाँ पर, सिक्योर माहौल है। अच्छा यहाँ पर होता क्या था कि एक आध अच्छे होटल थे बाकी और वो महंगे थे। तो यहाँ पर प्लेटर हाउस से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर प्लेटर हाउस का जायका हमने चखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन खाना सस्ता मिलेगा और अच्छी पिकनिक हो जाएगी लोगों की। ये चीज़ है, माहौल बहुत अच्छा, खाना रीजनेबल मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। तो तनवीर भाई और कुछ कहना चाहेंगे आप? टूट पड़े खाने पर, टूट पड़े। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये चेक करें भाई, ये चेक करें। और ये है प्लेटर हाउस का
इतना जबरदस्त सा प्लेटर, और मैं यहाँ इसलिए घूम रही हूँ, पीछे देखे प्लेटर हाउस भी है मेरे, तो प्लेटर हाउस का प्लेटर है मेरे हाथ में, जबरदस्त। देखे नीचे मंदी राइस है, इसमें कबाब है, और इसमें चिकन टिक्का भी है, और इसमें कुछ बोटियां भी हैं, और सैलड की भी और क्रीम की भी भरमार है। तो भाई खाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आना है प्लेटर हाउस, हम भी जाते हैं इसको खाते हैं, आप लोगों को रिव्यू करते हैं। रिव्यू तो खैर इसका क्या ही करेंगे, क्योंकि दुनिया जानती है प्लेटर हाउस का टेस्ट बहुत आला होता है। अब इनकी दूसरी ब्रांच खुल चुकी है पीपल्स स्क्वायर में, आप लोगों ने आना है, विजिट करना है, बहुत ज़बरदस्त एटमोसफियर है, तो प्लीज़ जल्दी से आइए, हम लोग जाते हैं इसको खाते हैं। हेलो, हाउ आर, खाने खा के जाना। हाँ, हमारे हम तो और जगह खाना बड़ा VIP है, जबरदस्त। यहाँ से जहाँ तक नजर जा रही है, सारे YouTube इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बिल्कुल सामने हमारे हैं, जैजी वो बैठे हुए हैं, जैजी वो रहे, जैजी जैजी खाने में मस्त है। यहाँ पे तनवीर भाई, बाबर भाई और शान चौधरी भी मौजूद हैं, और मंसूर सर भी मौजूद हैं यहाँ पे, आप बताए ना। और यहाँ पे भी चल रहा है खाना। हाँ भाई, रिव्यू 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 कैसा है, मैं चाहूँगा कि आप बाद में लें, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और भाई ये भी खा रही हैं। हाँ भाई, क्या 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 ख्याल है, कैसा है, कैसा है? और एक अकेले तन तनहा बैठे हुए खा रहे हमारी टीम के मारखोर जी, सुबह भाई कैसा है खाना, मजे का है, खत्म, मतलब इतना खत्म कि आपने बोला सबको छोड़ो मैं अकेले बैठ के अकेले बैठ के खाऊंगा यार, वहाँ थोड़ा सा मैं हाथ से खाता, जबरदस्त है, नहीं हाथ से खाए बाबा, मैं सुन्नत सब हाथ से, तो भाई सुन्नत है ना, जबरदस्त हो गया, इसीलिए अलग बढ़िया था, बस अच्छा जी आगा भाई होते तो रहमान कैसा लगा। हाँ भाई, जैसे उनको छाया भी हो फेसबुक पे भाई, तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त उर्दू पॉइंट से शान चौधरी, तालियां। इतना बड़ा करके तो मैंने अपना नाम भी खुद नहीं पुकारा, आप पर्सनालिटी ऐसे तो नाम भी बड़ा होगा, आपकी मोहब्बत है, आप खुद अच्छी हैं इसलिए सामने वाले को अच्छा, मोहब्बत तो बहुत है शान, आज आप लोगों ने इन्वाइट किया, पूरी सोशल मीडिया की जो तंजीम थी पाएने सोशल मीडिया एसोसिएशन, और बड़ा अच्छा लगा, गेट टुगेदर हुआ, जिन लोगों से मसरूफियत की वजह से हम ज़्यादा नहीं मिल पाते, आज जो तमाम दोस्तों से मुलाकात हुई, इनके साथ कह के लगे, बहुत सारी बातें शेयर की, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर की, एज ए जर्नलिस्ट हमें इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती हैं, तो खाना बहुत मज़े का था। इतना बड़ा प्लेटर इन्होंने ला के दिया, इतना बड़ा प्लेटर, चार लोगों से नहीं उठ रहा था, ओवरलोडेड था, चरगे टिक्का और मलाई बोटी, बीफ बोटी, सारी चीज़ें थी, वो जूसी बोटी थी, आप यकीन करें जायका इतना अच्छा था कि मैंने जब एक दफ़ा मैं हाथ से खाया, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैं इतना जज्बात में आ गया खाते हुए कि मैंने हाथ से खाना शुरू कर दिया और मैं उंगलियां चाटता रह गया, नो डाउट बहुत अच्छा था। और उससे ज़्यादा बढ़ के आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, जो आप लोग अपने दोस्त को याद रखते हो, अरे प्यार देते हो, और ऐसी बात करके ना रुलाएंगे क्या, ये आप लोगों का बड़ा पन है जी, बड़ा पन है, थैंक यू सो मच हमारे चैनल के लिए कोई अच्छी से दो अल्फाज, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रही हैं, दिल लगा के काम कर रही हैं, कराची में कोई भी फूड रिव्यू जब होता है तो उसकी वीडियो भी लाजमी बनाने जाती हैं, दिल से काम कर रही हैं, लगन के साथ काम कर रही हैं, आप इन्हें सपोर्ट करें, प्रमोट करें, क्योंकि जब आप किसी इंसान को सपोर्ट और प्रमोट करते हैं किसी नेक कॉज के लिए, तो अल्लाह पाक भी आपको सपोर्ट और प्रमोट करता है। इसी के साथ अपना ख्याल रखें और इनकी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और शान भाई का इस बात के बाद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया जी। तो जनाब आज आप लोगों ने देखा कि प्लेटर हाउस की जो ओपनिंग हुई थी, हम लोगों ने आपको सारा रिव्यू किया, खाना दिखाया, अपने ज़बरदस्त प्रेसिडेंट और गेस्ट से और अपनी कमेटी मेंबर से भी मिलवाया, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लिहाजा नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जिसने भी प्रमोशनल वीडियोस बनवानी है डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जाके हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।